नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्जेनिस, मैं सुहानी चंद्राकर। तो ये चलते हैं खबरों की ओर। इस वक्त तक खबर गरियाबंद जिले से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव के दौरान पुलिस आरक्षक रवि कांत सिंह ने मतदाता पति के साथ किया दुर्व्यवहार व गाली गलौज। पूरा मामला फिंगेसर विकास खंड से लगे ग्राम पंचायत कुंडेल बूथ क्रमांक 165 से है, जहां पुलिस आरक्षक सुबह से ग्रामीणों के साथ विवाद करना चालू कर दिया गया था। पहले तो आरक्षक ने पूर्व सरपंच के सुबह 7:30 बजे विवाद होते नजर आए, तो वही 9 बजे मतदाता पति से विवाद होते नजर आए, तो वही सरपंच प्रतिनिधि के भाई के साथ विवाद होते रहे। पुलिस आरक्षक ने पहले तो पत्रकार के साथ धक्का मुक्की करना चालू किया गया, जिसके बाद गाली गलौज भी करते रहे, जिसको लेकर गरियाबंद कलेक्टर से तुरंत शिकायत किया गया, जिसके बाद फिंगेसर थाना से पेट्रोलिंग गाड़ी पहुंची, जिसके बाद आरक्षक से पूछे जाने पर भी दुर्व्यवहार से बात करते हुए गाली गलौज करते रहे, जिससे आरक्षक से नाराजगी जताते हुए पुलिस मौके से चले गए। ग्रामीणों ने बताया कि चुनाव ड्यूटी पर लगे पुलिस आरक्षक हमारे गांव में एक के बाद एक लोगों से लगातार देर शाम तक दुर्व्यवहार करते रहे।